यहाँ पे उपस्थित आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। बहुत खुशी हो रही है इस परिवार का हिस्सा होकर के, और जिस तरीके से आप लोगों का प्यार और सम्मान मिला इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, आप लोगों के सहयोग से योगी जी, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मेहनत से कार्य करेंगे और समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए एक होकर के एक नए तरीके से, एक नई तरीके की ऊर्जा से हम सब साथ कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। अब हम सबके बीच में कहते ना तेज तर्रार महिला और युवा भी, अदिति जी हैं जो माननीय मोदी जी, योगी जी के विचारों से प्रभावित होकर, कार्यों से प्रभावित भी होकर हम सबके बीच में हैं। मैं उनसे आग्रह अनुरोध करूंगी कि वो अपना अपने विचार हम सबके सामने रखें। आदरणीय अदिति जी, आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे यहाँ उपस्थित सभी हमारे मीडिया बंधु एवं सम्मानित मंच, आप सभी को सादर नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमारे बीच में जो मंच है, सभी बहुत ही तेज तर्रार महिलाएं हमारे साथ बैठी हुई हैं, एंड आई वॉन्ट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पेशली वेलकम श्रीमती अपर्णा यादव जी इन टू द बीजेपी गोल्डन फैमिली एंड प्रियंका मौर्या जी, आप सबका तहे दिल से स्वागत है। जैसे आप सब जानते हैं, कुछ टाइम पहले मैंने खुद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है और अब मैं रायबरेली सदर से चुनाव लड़ने जा रही हूं। और अगर बात महिलाओं की करें तो अमूमन मैं क्षेत्र में भी यही कहती हूं, आज भी यही कहूंगी कि बीजेपी की जो भी योजनाएं रही हैं, जो पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो इज्जत घर जो बने हैं, चाहे वो जो कॉलोनीज आ रही हैं महिलाओं के नाम पे आ रही हैं, चाहे वो डबल राशन की योजना हो जो अब आज की तारीख में हमारे सभी ग्रामीणों को 80% लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है महीने में दो बार, चाहे वो जो भी योजना हो, मैंने देखा है कि इससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं कभी भी किसी सरकार ने नहीं दी है। सारी योजनाएं जो है, 80% योजनाएं जो है, मैं मानती हूं वो महिलाओं के हित में बनाई जा रही है। यही सारी चीजें मैं क्षेत्र में भी अपने लोगों को समझाती हूं, वो इस चीज से बिल्कुल संतुष्ट है, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए। आज की तारीख में जितना मैं खुद एक महिला हूं और खुद महिलाओं के बीच रहती हूं, महिलाओं के आशीर्वाद से विधायक करके सदर से रायबरेली को रिप्रेजेंट करती हूं, और अधिकतर जो हमारी योजनाएं हैं वो महिलाओं के लिए हैं, और जो डायरेक्ट उनके खाते में पैसा पहुंच रहा है, चाहे वो पेंशन योजना हो, आप सबको पता है कि 500 से लेकर 1000 कर दिया गया है हमारा पेंशन स्कीम, चाहे वो श्रमिक कार्ड धारकों के लिए जो योजना है, जो पैसे सीधे उनके खाते में जा रहे हैं, महिलाओं को एक अलग सम्मान दिया है सरकार। खुद एक महिला होने के नाते और ज्यादातर मैं इंटरेक्शन अपने क्षेत्र में भी महिलाओं से करती हूं, इन सबके लिए हम बहुत आभारी हैं, इन सबसे हम बहुत प्रभावित हैं, और खुद एक महिला विधायक होने के नाते इन सारी योजनाओं के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी। उन्होंने बताया कि मोदी जी और योगी जी ने जितना महिलाओं क्या है और किस तरह से वो हमारी नीतियों से प्रभावित होकर हम सबके बीच हैं। अब मैं आदरणीय अपर्णा जी से अनुरोध करती हूं कि वो हम सबके बीच में अपने विचार साझा करें। आदरणीय अपर्णा जी, एक बार स्वागत करेंगे भाजपा परिवार में हम सबके बीच में। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सर्वप्रथम मैं आदरणीय अर्चना मिश्रा जी का, जो प्रदेश की महामंत्री हैं, प्रदेश की मंत्री हैं, आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी का जो लखनऊ की महापौर हैं, आदरणीय श्रीमती अदिति सिंह जी का
जो विधायिका है रायबरेली से, श्रीमती प्रियंका मौर्य जी का जिन्होंने भाजपा ज्वाइन करी है अभी, आदरणीय श्री गोविंद शुक्ला जी का जो प्रदेश महामंत्री हैं, और आदरणीय श्री मनीष दीक्षित जी जो मीडिया के प्रभारी हैं, और सीता नेगी जी का भी जिन्होंने मेरा स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक ही बात कहना चाहती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे इस पार्टी का हिस्सा बनने का एक मौका दिया। और सबसे बड़ी बात, मैं आपसे उस दिन भी जिस दिन मैंने ज्वाइन करी थी पार्टी, मैं आज भी वही बात कहना चाहती हूं कि मैंने इस पार्टी को राष्ट्रवाद की वजह से चुना है। और मैं बताना चाहती हूं कि आज संयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा दिन है। मैं कहना चाहती हूं इस बात को कि विचार आगे चलता है और उसके पीछे मनुष्य चलता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मनुष्य तो नश्वर है मगर विचार कभी मरता नहीं। शंकराचार्य जी ने ये बात बोली कि जब बहुत द्वंद, बहुत भीषणता, ऐसा एक समय आ जाए जब आपका मन स्थिर ना हो, आपका समाज स्थिर ना हो, तो क्या दिशा दे सकता है, किम औषधि, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया विचार औषधि। और मैं ये गर्व के साथ बोलना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बचाया है, इसके संस्कारों को पोषित किया है, इसके संस्कारों को बिल्कुल सिंचित करके आगे बढ़ाया है। मैं एक नए भारत का निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ बढ़ना चाहती हूं। इस नए भारत में आदरणीय योगी जी के साथ मैं चाहती हूं कि मुझे भी रंग भरने का अवसर मिले, और मैं फिर से अपने इस भाजपा प्रदेश कार्यालय का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे यहां पर इतना वार्म वेलकम दिया। आप सभी मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत फिर से मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। और फिर से ये बात कहूंगी कि हम सब इस पार्टी से राष्ट्रवादिता की वजह से जुड़े हैं। हमारा लक्ष्य राष्ट्र को बचाना है। हमें फिर से अगर कुछ भी अच्छा करना है अपने इस राष्ट्र के लिए तो भाजपा सरकार को हमें पूरे दम से लाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। जय हिंद, जय भारत।